बूथ जीता भ्रष्टाचार भगाओ अभियान के तहत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जयपुर की सड़कों पर उतरे हैं। लगता है कि बीजेपी से एक कदम आगे निकलना चाहते हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू कर दिया। हम बीजेपी से कई कदम नहीं, सैकड़ों मील आगे चले गए हैं और कांग्रेस पार्टी ने आज जो आज अभियान शुरू किया है, इस तरह से सचिन पायलट की जगह जगह स्वागत किया जा रहा है, द्वार द्वार ये घूम रहे हैं। अभियान है आज राजस्थान के 50,000 बूथों पर, हर बूथ पे कांग्रेस कार्यकर्ता जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और हमने नारा दिया है बूथ जिताओ भ्रष्टाचार मिटाओ। अगर बूथ पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो राजस्थान से भ्रष्टाचार का अंत होगा। इस संकल्प को लेकर पूरे प्रदेश में हम कार्यकर्ता और नेता आज सड़कों पर निकले हैं और बाहर भी आया है कुछ, और सब लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। जगह जगह फूल दिए जा रहे हैं, ड्राई फ्रूट भी आया है सचिन पायलट के लिए। तो एक तरह से जिस तरह से बीजेपी टिकटों की राय शुमारी में लगी हुई है और आप डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान के चुनाव में, तो क्या ये जीत के कॉन्फिडेंस है या तैयारी में कमी, इसकी वजह से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं? मन बनाया है कि अपने वर्तमान विधायकों के टिकट काट दें, तो 120 लोगों के वो टिकट काट रहे हैं। जब बीजेपी को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है, जनता पे कैसे भरोसा कर सकती है? और हम लोग तो जनसंपर्क कर रहे हैं, पब्लिक कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, बूथ की तैयारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे जनता के भरोसे पर। बीजेपी में षड्यंत्र हो रहा है, साजिश लगा रहे हैं, वो तरीके ढूंढने चुनाव कैसे जीते। हम लोग जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो हमने अभियान चलाया है बूथ तक, और ये बीजेपी जो पाखंड करती थी कि हम बूथ मैनेजमेंट के बड़े महारथी हैं, वो सब पता पड़ जाएगा 7 दिसंबर को। ये जिस तरह से आप सुंदर राजे आजकल मंदिर मंदिर घूम रही हैं, एक दिन में 3-4 मंदिर जा रही हैं, लगता है कि भगवान पर कुछ ज्यादा भरोसा कर रही हैं? देखो, भगवान पे सबको भरोसा होना चाहिए, लेकिन भगवान भी उसको आशीर्वाद देता है जो कर्म योगी है। जिसने धर्म भ्रष्ट किया, जिसने भ्रष्टाचार किया, वो कितनी माता हाथ जोड़ ले, लेकिन परमपिता परमेश्वर भी उसको आशीर्वाद देता है जो ईमानदारी और सच्चाई से काम करता है। कांग्रेस भी टिकट काटेगी, कब तक पहली लिस्ट आएगी? हमारी चर्चाएं चल रही है, फीडबैक ले रहे हैं और हम लोग चाहते हैं नए लोगों को मौका दें, अनुभवी लोगों को मौका दें और बहुत जल्द हम लोग अपनी पहली सूची जारी करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज अपनी जान और साख बचाने के लिए वर्तमान विधायकों का वो उनको सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि गलती तो मुख्यमंत्री करे और गाज गिरे विधायकों के ऊपर, लेकिन ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं पूरा भरोसा मुझे है मेरे वर्कर्स के ऊपर कि इस बार जनता का संपूर्ण आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं, केंद्रीय प्रवक्ताओं की टीम काम कर रही है, एक पूरा पूरी बीजेपी पड़ी हुई है राजस्थान में। अब देखो, वो कोशिश सब करेंगे, कोई भी चुनाव लाइटली हम नहीं लेते हैं, लेकिन अब बीजेपी किसी को यहाँ पे उतार ले, लेकिन 5 साल के वसुंधरा जी का जो कुशासन है उसकी जवाबदेही तो उनको देनी पड़ेगी। उनका जो रिकॉर्ड है, रिपोर्ट कार्ड है, उसको जनता के सामने हम लेकर जाएंगे। पब्लिक निर्णय करेगी कि प्रवक्ताओं पर विश्वास करना है या 5 साल में जो धोखा हुआ उस पर विश्वास करना। आखिरी सवाल, जनता का किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है? आप सड़कों पर उतरे हैं, देखिए आज इतवार का दिन है, हम लोगों को सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए जगह जगह जा रहे हैं और पब्लिक अपने आप हमको आके उम्मीद जता रही है कि ये बीजेपी कहाँ से सफाया हो। और 7 दिसंबर, मैं तो हर बार कहता हूं कि यहां दिवाली 2 बार बनेगी, 1 7 नवंबर को और 1 7 दिसंबर को, जब भाजपा कहां से सफाया होगा।